सूरत हाल थोड़ी सी ना काफ़ी मैं समझता हूँ गंभीर और कशीदा ऑलरेडी हो चुकी हुई है, क्योंकि रेड जोन में ऑलरेडी कंटेनर आज मज़ीद लग गए हैं और इस वक्त तजब्जुब का शिकार है पूरी ब्यूरोक्रेसी, और वो पोस्टिंग्स पे नहीं लगना चाह रहे। काफ़ी सारे लोग हैं जो रिलक्टेंट हैं क्योंकि सूरत हाल जो है वो क्लियर नहीं है, तो कोई चांस नहीं लेना चाह रहे कि पता नहीं है गवर्नमेंट 4 महीने रहनी है, 6 महीने रहनी है और एक उनके ऊपर ठप्पा लग जाए, या ये भी डरते हैं लोग कि मुझसे पता नहीं क्या काम लिया जाएगा और मेरे फ्यूचर के लिए मुस्तकबिल के लिए जब तक ज़रा क्लियर ना हो जाए सिचुएशन तो तब सिनेरियो। तक लोग पोस्टिंगों पर नहीं लगने चाह रहे। वरना कई दफ़ा होता है कि लोग लगना चाह रहे होते हैं कि जनाब अच्छी नई बदली है, और ख़ास तौर पर वो लोग जो कि पिछले 5 4 5 साल में जिनको इग्नोर किया सही गया में था, होते हैं। इवन वो भी घबरा रहे हैं। साथ में इस वक्त सूरत हाल ये है कि पंजाब असम्बली का देखें कि सियासी बहरान चल रहा है, वो कानूनी बहरान भी है सियासी भी है, और एक पूरा वहाँ पे आप देखें कि सूबा जो है उसकी असम्बली क्योंकि ओथ नहीं हो पा रही है चीफ मिनिस्टर का, तो नीचे पोस्टिंग ट्रांसफ़र भी रुकी हुई है, सारी मशीनरी पंजाब की भी रुकी हुई है, और उसके अलावा नेशनल असम्बली जो है उसके अंदर क्योंकि उनके इस्तीफे सुना है कि स्पीकर साहब जो नए आए हैं उन्होंने वो एक्सेप्ट करके वापस मंगवा लिए हैं कि जनाब मैं खुद, सो वो काम भी लटक गया है। मगर जो भी कानून साजी होगी पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी इस वक्त पार्टी है जो कि पीटीआई है वो असम्बली में मौजूद नहीं है, तो वो उस कानून साजी की भी अखलाकी वैल्यू कम होगी। और सबसे बुरी बात यह है कि पिछले 8 10 साल से सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान में इंतखाबात का रहा कि वो मुतनाज़ा रहे, और अभी से ही अगर किसी ने अंपायर ने बैठ के इन सबको इकट्ठा करके ना फैसले करवाए तो जो भी नए कानून बनेंगे वो भी मुतनाज़ा होंगे। उसके बाद इलेक्शन कमिश्नर को पहले ही पीटीआई ने चैलेंज भी कर दिया, उनके खिलाफ रेफरेंस कर रहे हैं, वो भी मुतनाज़ा हो गया है। जो कि याद रहे पिछली दफ़ा ये चीज़ें नहीं थी।